अब से स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, अब से स्टार्ट हो गई। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं अब से। एक सेकंड, अभी ठीक आ रही है आवाज ना? अभी भी मसला, एक और कंफर्मेशन दे दो बस। मुझे एक ग्राफ सिखाना है आज, इम्पोर्टेंट ग्राफ, वही जो हमने कल छोड़ा हुआ था लेबर मार्केट का, वो देखेंगे। मैक्रो हम कल से शुरू करेंगे, बस एक ग्राफ समझना है आपने आज के लिए, बस वही पढ़ेंगे, लेकिन वो ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, थैंक यू। तो उस ग्राफ से हम शुरू करेंगे लेबर मार्केट के, और मैं आपको जरा याद दिला दूँ कि हमने क्या क्या कर लिया लेबर मार्केट में फाइनली। कल हमने दो ग्राफ देखे थे, और आज आखिरी ग्राफ देखना है। वी वर स्टडिंग वेज डिफरेंशियल्स, और वी वर स्टडिंग हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, जी ये मोनोपसनी वाला केस पड़ा था, और ये डायग्राम आपके पास बनी हुई ऑलरेडी, आपको याद होगा कि हमने कहा था। एक सेकंड वेट करेगा, रुके। यार एक सेकंड, ओके। एमसी और एमआर जहां इंटरसेक्ट करेगा वो क्वांटिटी बनेगी जो आप प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उस क्वांटिटी ऑफ लेबर हायर करेंगे। लेकिन हमने कहा था इसको मिनिमम पॉसिबल वेज देंगे, तो W2 आएगी फ्रॉम द सप्लाई कर्व। ये आपके पास बनी हुई डायग्राम है, इसमें होपफुली कोई मसला नहीं है। हमने जरा लिखा भी था कि द फर्म बीइंग डोमिनेटेड, बीइंग डोमिनेंट, द फर्म सॉरी बीइंग डोमिनेंट, डोमिनेंट फर्म है विल हायर वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर, बिकॉज वहाँ पे उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होते हैं। However, the firm being the dominant one will pay the minimum wage at which the labor was willing to work, जो कि सप्लाई कर पाएगी। ठीक है, ये आप देख चुके हैं। दूसरा केस हमने देखा था ट्रेड यूनियन का, जल्दी से उसकी डायग्राम बता देता हूँ, आपके पास बनी हुई ऑलरेडी। तीन केसेस थे, यहाँ मैंने तीन केसेस की बात लिखी थी। केस वन, when there is a single buyer of labor services, एक buyer है। दूसरा है कि when there is a single seller of labor services, एक ही सेलर है, और सेलर कौन होगा? ट्रेड यूनियन विल बी द सेलर। सारे जो वर्कर्स हैं वो ट्रेड यूनियन के थ्रू अपनी जो लेबर स्किल है वो सप्लाई कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ लेबर, ओरिजिन, द वेज रेट, नॉर्मली होना ये चाहिए था कि एमआरपी और सप्लाई ऑफ लेबर जहां इंटरसेक्ट करते, द शुड हैव बीन द वेज रेट एंड द क्वांटिटी। हाउएवर ट्रेड यूनियन बींग द मोनोपोली ऑब्वियसली वुड नेगोशिएट अ हायर वेज, W1 फॉर एग्जाम्पल, और वो ये बोलेगी कि इस वेज से कम कोई काम करेगा ही नहीं। तो हमने ये कहा था कि द सप्लाई कर्व बिलो W1 डज नॉट एग्जिस्ट, यह हमने पॉइंट ए मार्क किया था, और जो W1 A और SL है, ये पार्ट W1 A एंड SL, दिस रिप्रेजेंट्स द न्यू सप्लाई कर्व। ठीक है ना, तो सप्लाई कर्व अगर मैं साइड पर आपको दिखाऊँ वापस से, तो वो इस तरीके से बनेगा। ये सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एमआरपी विच इज द डिमांड फॉर लेबर, वहां से क्वांटिटी आएगी। जहां आप देखें तो सप्लाई कर्व और एमआरपी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई तो ये हो गई ना, दिस इज न्यू सप्लाई, तो सप्लाई कर्व और एमआरपी जो डिमांड है वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्यू टू लेबर हायर होगा at wage rate W1. तो eventually हुआ क्या, trade union की वजह से the workers will be offered higher wage. However, नुकसान क्या है? Trade union का कोई नुकसान दिख रहा है आपको? Compared to a competition without a trade union, without a monopoly, नुकसान क्या? Trade union की इस हरकत का, wage बढ़ाने का नुकसान क्या हुआ है? कोई बता सकता है? Is there any drawback to the for the laborers themselves?
डिमांड डिक्रीज चीज हो रहा है, सही है, वो होपफुली हमने खत्म कर लिया. डिमांड कम हो गई उनकी, हाँ बिल्कुल ठीक है. क्वांटिटी ट्रेडेड जो है, द क्वांटिटी ट्रेडेड हैज बीन डिक्रीज्ड. ठीक है, मतलब एक्चुअली जो लेबर हायर हो रहा था पहले, क्यू नॉट लेबर हायर होता, लेकिन अब क्यू टू लेबर हायर होगा. फायदा ये है कि जो कम लेबर हायर होगा दे विल बी ऑफर्ड हायर वेज डब्ल्यू वन. ठीक है, तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो लोग बेचारे फारिग हो गए इस वजह से, हम कह सकते हैं ये जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड हो गए एट डेड वेज बिकॉज द डिमांड इज लेस नाउ. ठीक है, और एक्चुअली इस डब्ल्यू वन पे जो सप्लाई करने को रेडी थे वो तो फॉर एग्जाम्पल इतने थे, ये हमने उस दिन कल नहीं किया था, क्यू एस थे. तो डब्ल्यू वन पे अगर मैं पूछूं व्हाट वाज द सप्लाई, इट वाज क्यू एस. तो ये लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा बिकॉज क्यू एस वर्कर्स वर एबल एंड विलिंग टू सप्लाई, वर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट अ वेज रेट ऑफ डब्ल्यू वन. At a wage rate of W1, QS workers were willing and able to work. However, they did not get a job, so they will be called unemployed. ये बात समझ में आ रही है? तो ट्रेड यूनियन की वजह से there will be unemployment. कोई मसला है इसमें तो बता दे, क्लियर तो लिख के भेज दे. अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फायदा क्या है कि हाँ जो लोग हायर हो गए उनको फायदा. ठीक है ना, अगर आप इस ग्राफ को देखें सिंपली तो हायर कितने होंगे, क्यू नॉट क्यू डी. एक्चुअल सप्लाई कितनी थी, क्यू एस थी. दिस इज बेसिकली द गैप द अनएम्प्लॉयड. ठीक हो गया, ओके ठीक है, बेहतरीन. अच्छा फाइनली लास्ट केस जो कि और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, केस थ्री. इसके बाद आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स ए टू की खत्म हो जाएगी. कल से इंशाल्लाह मैक्रो शुरू करेंगे, मैंने बताया था हम किससे शुरू करेंगे. और वो केस क्या है वो हमें लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज ओनली वन बायर ऑफ लेबर, ओनली वन बायर ऑफ लेबर. Services, the monopsony, जो हमने केस वन में देखा था, एंड ओनली वन सेलर ऑफ लेबर सर्विसेज विच इज द मोनोपोली द ट्रेड यूनियन. मतलब कि एक ही बायर है और एक ही सेलर है, तो इसको हम कहते हैं bilateral monopoly. Bilateral monopoly का मतलब कि दोनों साइड पे monopoly है, by means two ना, तो bilateral monopoly, इसको जरा सा अगर हम थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करें, bilateral monopoly जो है that basically means के बायर भी एक मोनोपोली है और सेलर भी एक मोनोपोली है. ठीक हो गया, ये केस है. तो अगर ट्रेड यूनियन भी एग्जिस्ट करती है, मोनोपोली भी एग्जिस्ट करती है, तो दो डोमिनेंट पावर एग्जिस्ट करती है. तो एक्चुअल में क्या होगा, वे ज्यादा होगी कम होगी, उसका उसकी डायग्राम देख लेते हैं. सो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले आप कॉपी कर लें और केस थ्री लिख लें, फिर हम जरा उसको डिस्कस करते हैं. Case 3 is basically the bilateral monopoly. ठीक है, तो इसकी डायग्राम जो है, एक मिनट देगा. इसको ना हम ऊपर एक डायग्राम बनाएंगे और नीचे एक और बनाएंगे, उसको ऐसी तरह से कॉपी कर लेगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड देख रहे हैं, यहाँ इज द वेज रेट. ठीक है, दिस इज द डिमांड फॉर लेबर और दिस इज द सप्लाई फॉर लेबर, एंड ये जो है मार्जिनल कॉस्ट. ये हमारी पहली डायग्राम थी, एग्जैक्टली यही डायग्राम थी पहली, अगर आपको याद हो, ये सप्लाई और मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, ओके
हम ये कह रहे हैं कि अच्छा इसके नीचे ना एक डायग्राम और बना लें, चलिए पहले इसको कॉपी करें फिर बता दूं। इसको यहाँ पे आप मार्क कर लें, फॉर एग्जांपल MR पे अगर वो प्रोड्यूस करता तो वो क्यू नॉट क्वांटिटी हायर करता हमें पता है, और जो वेजेस वो देता W नॉट देता अगर ये मोनोपसनी होती, ठीक है? यहाँ तक कोई मसला की डायग्राम समझ में आ रही है? एक कंफर्मेशन भेज दें, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जरा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इसको। यहाँ तक ओके तो ओके लिख के भेज दें, ये वही मोनोपसनी वाली डायग्राम। अच्छा इसमें जो एक्चुअल डायग्राम बनती है ना, एक मिनट ओके, ठीक है थैंक यू। ओके जो एक्चुअल डायग्राम देखेंगे वो बेसिकली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे बना रहा हूँ मैं, तो वही डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखिए होगा क्या कि ऑब्वियसली जो मोनोपोली है द ट्रेड यूनियन विल नॉट बी हैप्पी विद दिस वेज रेट, वो चाहेगी वेज रेट ऊपर जाए, ठीक है? तो वो फॉर एग्जांपल एक नया वेज रेट डिमांड करेगी जो कि चलो मैं इसी डायग्राम पे कॉम्प्लिकेट करता हूँ और फिर उसी में ऐड कर लूंगा। वो क्या करेगी कि नया वेज रेट फॉर एग्जाम्पल W1, वो W1 जो है इस तरीके से जाना चाहिए और सप्लाई कर्व, इसी जरूरी नहीं कि इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, इसलिए मैं और नीचे बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। W1 जो है फॉर एग्जांपल उसने डिसाइड किया और फिर W1 जाके ये उसका सप्लाई कर्व बन गया, ठीक है? तो हम ये कहेंगे इसके पीछे द सप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा सप्लाई एग्जिस्ट नहीं करती तो सप्लाई से ऊपर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये समझना। और जहां पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ उसको, उन्होंने क्या कहा, आप हायर वेज डिमांड की जिस पे एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन गया, बिल्कुल वैसे डायग्राम बनाया, इसकी टेंशन नहीं लेगा इस डायग्राम में इतनी, क्योंकि देखें पहले तो आपने वो बना दिया तो मोनोपोली, अब मोनोपोली किसी डायग्राम दोनों को मिक्स कर दिया हमने, हमने पहली डायग्राम और दूसरी डायग्राम को मिक्स कर दिया बेसिकली। पहली डायग्राम ये थी, दिस वॉज द डिमांड, ये मोनोपोली की डायग्राम थी। मोनोपोली ने क्या किया था, अपना अपनी तरह किंग सप्लाई कर्व बना लिया, इसको किंग सप्लाई कर्व कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल है फिर ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो ये दोनों हमने एक ही डायग्राम पे दिखा दिया, ठीक है? और वो ऑब्वियसली ऊपर कर रहे हैं। अब एक्चुअली हायर कितना होगा बस ये सवाल है। अच्छा इसकी लॉजिक में जरा सा और जाना है तो आपको ये समझ में आ जाए कि इसके पीछे द सप्लाई कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, द सप्लाई कर्व डज नॉट एग्जिस्ट को हम ऐसे कर लेते हैं चले कि सप्लाई कर्व हमने शेड वो कर दिया, इट डज नॉट एग्जिस्ट, पीछे डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, मार्जिनल कॉस्ट भी डॉटेड हो गया। लेकिन ये कहां तक डॉटेड होगा मार्जिनल कॉस्ट, ऊपर तक, जहां तक ये सप्लाई की वर्टिकल लाइन लेके जाएं आप और फिर इसको इसके पीछे एग्जिस्ट नहीं करता मार्जिनल कॉस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बेसिकली इस तरीके से कि इट्स अ डॉटेड लाइन पीछे तक और फिर ये ऊपर जा रही है स्ट्रेट। इसको मैं नीचे एक डायग्राम पर क्लियर बना देता हूँ, और सप्लाई कर्व भी ऐसी कि नीचे डज नॉट एग्जिस्ट और ऊपर जा रही है स्ट्रेट, और इससे पीछे ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक हो गया? बस ये डायग्राम बनेगी। और एक्चुअल में हायर कितना होगा, हायर कितना होगा वो आप देख लें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेज रेट तो W1 है, उसको माननी पड़ेगी मोनोपोली को, सही है? मोनोपोली भी बहुत ऊपर लेके नहीं जा सकती बिकॉज मोनोपोली के सामने, तो वो जो क्वान्टिटी आएगी यहां से फॉर एग्जाम्पल बी, That would be, इसको हम Q2 कर लेते, Q1, W1, Q1 will be the equilibrium point. बस ये हुआ है कि इन्होंने वेज बढ़ा दी है जिससे क्वान्टिटी भी थोड़ी बढ़ गई है, तो उनको फायदा हुआ है मोनोपोली की वजह से। एक्चुअल में कितनी वो बढ़ा सकते हैं, कितना आगे जाएगा, वो डिपेंड ऑन द रिलेटिव पावर्स। इसको मैं लिख देता हूँ, असल में वो कह रहा है जो मोनोपोली है will accept a wage rise until
इट इज गेटिंग, जब तक उसको हायर मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है फॉर द क्वांटिटी एम्प्लॉयड. क्या मतलब है इसका कि वो एग्री तो करेगी, लेकिन कब तक एग्री करेगी वेज इंक्रीज के लिए? जब तक एट डेट क्वांटिटी Q1 पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्जिनल के मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, विच इज MRP द डिमांड कर्व, तो वो जरा ज्यादा है, MRP ज्यादा है. जब तक MRP ज्यादा है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो इतनी क्वांटिटी हायर नहीं करेंगे Q3 फॉर एग्जांपल जिसमें MRP कम हो गया और वेज ज्यादा जा रही है. ये बात समझ में आई है? तो जो मोनोपसन नहीं है, दे विल एक्सेप्ट अ वेज राइज अंटिल इट इज गेटिंग अ हायर MR फॉर द क्वांटिटी एम्प्लॉयड. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन है. ये अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक है. और इसमें इवेंचुअली जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, W1 जो कि डिसाइड हुआ मोनोपोली की वजह से, द ट्रेड यूनियन, उसकी वजह से ज्यादा लोग हायर भी हो रहे हैं, वेज बढ़ भी गई है, लेकिन एक लिमिट तक ही हो सकता है. किस लिमिट तक? जब तक वो इजाजत दे रहा है, जब तक मोनोपोली इजाजत देगी. कहां तक इजाजत देगी? जब तक उसको MR ज्यादा मिल रहा है, रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है फॉर एनी क्वांटिटी एम्प्लॉयड. दिस विल बी द केस. और इसकी डायग्राम जो है वो अगर आप एक अलग से देखना चाहें तो वो इस तरीके से होगी कि सप्लाई कर्व होगा और जो MR कर्व होगा, तो MC कर्व होगा, वो बस जरा सा ऊपर से होगा. इससे ऊपर अगर एक डॉटेड लाइन ले जाए तो दैट वुड गिव यू द MC, हवा में सिर्फ MC, इसके पीछे सारी डॉटेड लाइन है. ये भी डॉटेड है, ठीक है. ये अब ना भी बनाए तो खैर है डॉटेड लाइन. और आपको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि ये जो W1 वेज आई है, इस पे जो क्वांटिटी है Q1 वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना क्या होता, क्वांटिटी जो होती वो MC = MR से आती Q0, और जो वेज मिलती वो ये सप्लाई कर से मिलती W0. तो ट्रेड यूनियन के आने से वेज बढ़ गई है, क्वांटिटी भी बढ़ गई है. ये मुश्किल सी ग्राफ में बताया था कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें जितना समझ में आए काफी है. देखिए बेसिकली ये आप किस आंसर में लिखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझा देता हूँ. इसकी तरह से बैकग्राउंड स्टोरी सुन लें कि हम कर क्या रहे थे. हम बेसिकली डिस्कशन कर रहे थे वेज डिटर्मिनेशन की. वेज डिटर्मिनेशन हमने कहा था दो तरह की होती है, एक परफेक्ट मार्केट में होती है और ये इम्परफेक्ट मार्केट में होती है. वेज डिफरेंशियल्स क्यों पढ़ा था, और फिर हमने वेज डिटरमिनेशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है. वेज डिटरमिनेशन, वेज कैसे डिटरमाइन होगी. परफेक्ट मार्केट हमने कल क्लास में भी किया था. इम्परफेक्ट मार्केट में 3 केसेस हैं, वो आपने दिखा दिया ये तीनों केसेस. अगर वेज डिटरमिनेशन में क्वेश्चन आया, अगर आएगा तो पूरा आएगा, या तो कम से कम 13 marks का आएगा कि हाउ आर वेजेस डिटरमाइन डिफरेंट मार्केट्स, तो उसमें आप परफेक्ट मार्केट और ये 3 डायग्राम बना दें तो आपके पूरे मार्क्स हैं और आप बता दें ये कैसे हो सकते हैं. और अगर कब नॉर्मली 25 marks का आ जाता है उसमें जरा सा वेज डिफरेंशियल भी पूरा आ जाता है कि वेज डिफरेंट क्यों है, तो अब ये सारी कहानी करेंगे. फिर वही आगे वाली कहानी जो कि इम्परफेक्ट मार्केट्स और परफेक्ट मार्केट्स में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नॉर्मली 25 marks ये वाले क्वेश्चंस आए हैं, तो जिस तरीके से मैंने करवाया उसी तरीके से अगर आप सारा जवाब दे दें तो यू आर गुड टू गो, आपको सब कुछ आता है. अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी तक तो पुराने लेक्चर देख लें इसमें, और कुछ भी नहीं है. बस ये आखिर एक ग्राफ हमने करना था आज जो कि ये है. और इसमें एक्चुअल जो क्वांटिटी हायर है वो Q1 है, वेज W1 है. उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैंने ऑप्शन कब तक इजाजत देगी, जब तक द MR दे आर गेटिंग इज हायर देन द कॉस्ट. तो बस यही आज हमें करना है. थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो कंफर्मेशन भेज दें, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो मुझे बता दें. और ठीक है, बस कल से हम लेक्चर शुरू करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है भाई, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़.